हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आलू की चीला बनाऊंगी, जिसे आलू की पैनकेक्स भी कहते हैं। कुछ अलग अंदाज और सिंपल तरीके से बनाऊंगी इसे मैं। तो नए व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए पोटैटो पैनकेक्स को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल ली हैं। तो इन उबले हुए आलू के छिलके को हमें निकाल लेनी है। आलू के छिलके तो निकल चुकी हैं, तो एक एक करके मैशर से प्रेस करते हुए मैश कर लेनी है हमें। मैंने तो यहाँ मैशर से आलू को मैश की हैं, आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकती हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मसल ली है, देखिए। इसे साइड में रख दें और एक मिक्सिंग बाउल लें। अब मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप मैदा लें, 1/2 कप बेसन लें, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें, 1 टीस्पून नमक डालें। अब 1 चम्मच से अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून ग्रेट किए अदरक को दें, फिर से एक बार मिला लें। कटे हुए करी पत्ते को दें, करी पत्ते की फ्लेवर बढ़िया आएगी। और फिर से मिक्स कर लें। 1 ग्लास पानी डालें, अब 1 व्हिस्कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारे इंग्रेडिएंट्स को। मैदा बेसन तो अच्छी तरह से घुल गई है, अब मैश किए आलू को डाल दें। बच्चों की तो फेवरेट डिश है ये। अगर आलू उबली हो तो जब कभी भी आप बना सकते हैं इसे। अब फिर से विस्कर से मिक्स कर लें। एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए हमें, तो हमारी बैटर थोड़ी गाढ़ी हुई है। 1/2 ग्लास पानी और डाल दें और मिक्स कर लें। हमारी बैटर थोड़ी पतली होनी चाहिए, ये देखिए इसी तरह की टेक्सचर होनी है। यहाँ पर मैंने तेल या घी मिक्स नहीं की है। एक नॉनस्टिक तवे को मैंने गैस पर चढ़ा दी है। अब तवे को गर्म करके फ्लेम को धीमी कर दें। 1 टेबलस्पून तेल डालकर तवे को अच्छी तरह से ग्रीस कर दें। मैंने तो मिश्रण में भी तेल नहीं डाली है, तो अच्छी तरह से तवे में तेल को स्प्रेड कर देनी है हमें। अब एक कच्चे से बैटर को लें और तवे पर डाल दें। साइड की पोर्शन देखिए सख्त हो गई है, करीबन 2 मिनट बाद इसे पलट दें। दो मिनट तक दूसरी तरफ से सिकने के बाद नीचे एक प्लेट में उतार लें। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब फिर से और एक स्कूप बैटर तवे पे डालें। नॉनस्टिक है तो हमें तेल और नहीं डालनी है। ये देखिए साइड की पोजीशन करारी दिख रही है। अब पलट दें और कच्चे से प्रेस करते हुए सेक लें। एक बार फिर से पलट कर सेक लें और उतार लें नीचे। पहले की तरह ही बाकी बचे बैटर को भी डालते हुए सेक कर सारे चीले को बना लेनी है हमें। सारे पैनकेक्स को हमें धीमी आंच पर ही पकानी है, बिना तेल डाले ही सेकनी है हमें। तो सारे पैनकेक्स बन गई हैं, एक प्लेट पर उतार ली है मैंने। दही के साथ सर्व कर दी है मैंने। अब ऊपर से केचप डाल दें थोड़ी, ऊपर से थोड़े मस्टर्ड सॉस को भी डाल दें। तो हमारे पैनकेक्स खाने को रेडी है। मैदे की वजह से अच्छी फूली हुई बनी है, तो बस सब खाने की जल्दी है। तो आप भी आसान तरीके से आलू चीला बनाएं और सभी को खिलाएं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूज़ कमेंट करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे।